Hello, welcome to our channel Kidney Treatment in Ayurveda. Before we proceed, please subscribe our channel and press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, मैं वर्णिका आपका स्वागत करती हूँ कर्मा आयुर्वेदा के YouTube चैनल पे, जहाँ आप किडनी से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ईजिली पा सकते हैं. आज का हमारा टॉपिक है डायबिटिक नेफ्रोपैथी डिजीज़ से रिलेटेड. डायबिटिक नेफ्रोपैथी डिजीज़ किडनी डिजीज़ का एक टाइप है. चार डायबिटिक पेशेंट में से एक पेशेंट को किडनी की बीमारी हो जाती है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट को किडनी की बीमारी होना नॉर्मल बात है, क्योंकि डायबिटीज़ आपकी बॉडी में आर्टरीज़ को इम्पैक्ट करती है और किडनी इन्हीं आर्टरीज़ के ज़रिए ब्लड को फिल्टर करती है. एक रिसर्च के मुताबिक 40% डायबिटिक पेशेंट को नेफ्रोपैथी की बीमारी हो जाती है. टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट को नेफ्रोपैथी डिजीज़ की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे पेशेंट डॉक्टर से ज़रूर चेकअप करवाएं. किडनी का काम ब्लड में से वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करके उन्हें यूरिन के ज़रिए बॉडी से बाहर निकालना है. आपकी किडनी भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने और हार्मोन बनाने में हेल्प करती है. हाई ब्लड ग्लूकोज, जिसे ब्लड शुगर भी कहते हैं, यह आपकी किडनी में ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचा सकती है. डायबिटीज़ आपके हाई ब्लड प्रेशर का भी रीज़न बन सकती है, इसलिए आपको डायबिटिक नेफ्रोपैथी डिजीज़ के होने वाले रीजन्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि स्मोकिंग करना, डायबिटीज़ मील प्लान सही से फॉलो नहीं करना, खाने में सॉल्ट और शुगर का सेवन ज़्यादा करना, वेट बढ़ना और हार्ट प्रॉब्लम्स होना. इसके बारे में पता लगाने के लिए पेशेंट ब्लड और यूरिन टेस्ट करवा सकते हैं. अगर आपको डायबिटिक नेफ्रोपैथी डिजीज़ की बीमारी है तो आपको ईयरली इसका टेस्ट करवाना चाहिए. अब हम आपको कुछ ऐसे प्रिकॉशंस बताएंगे जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं. फर्स्ट, अपने ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखें. डायबिटिक के पेशेंट को अपना ब्लड प्रेशर 140 और 90 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी से कम रखना चाहिए. ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए आप कुछ नेचुरल तरीके अपना सकते हैं, जैसे कि फूड प्रोडक्ट्स का लेबल ज़रूर चेक करें और कम सोडियम वाले फूड प्रोडक्ट्स को ही चूज़ करें. सोडियम कंजम्पशन के लिए डेली 2300 मिलीग्राम से कम का टारगेट रखें. कैन फूड्स को अवॉइड करें और बिना सॉल्ट वाले सीजनिंग्स यूज़ करें. सेकेंड है, अगर आपको डायबिटिक नेफ्रोपैथी डिजीज़ है तो आपको रेगुलर मेडिसिन लेने की ज़रूरत हो सकती है. अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मेडिसिन का सेवन करना चाहिए और पेन किलर मेडिसिन को अवॉइड करना चाहिए. ऐसे पेशेंट के लिए ज़रूरी है कि आप खाने में सोडियम की अमाउंट का भी ध्यान रखें. वैसे तो प्रोटीन का सेवन ज़रूरी होता है, लेकिन डायबिटिक नेफ्रोपैथी डिजीज़ के लिए पेशेंट अगर ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन का सेवन करेंगे तो उन्हें नुकसान भी हो सकता है. अब हम आपको बताएंगे कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी डिजीज़ के पेशेंट को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए. फ्रूट्स में पेशेंट्स एप्पल, ग्रेप्स, चेरी और ब्लैकबेरी खा सकते हैं और मैंगो, कीवी, ऑरेंजेस को अवॉइड करना चाहिए. वहीं वेजिटेबल्स में कैबेज, टर्निप, ब्रिंजल और अनियन लेना चाहिए. साथ ही ओकरा, स्पिनिच, पोटैटो और टोमेटो को अवॉइड करना चाहिए. आप बॉइल्ड फॉर्म में सी फूड ले सकते हैं, लेकिन हॉट डॉग, नट्स और मीट अवॉइड करें. लास्टली, लिक्विड्स में बिना बॉइल वाली टी या पानी ले सकते हैं, लेकिन सोडा, बियर और जूसेस अवॉइड करें. लास्टली, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आप अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि खाने में फ्राइड आइटम्स अवॉइड करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें और डेली 7 से 8 घंटे की नींद लें. तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको डायबिटिक नेफ्रोपैथी डिजीज़ से जुड़ी हुई ज़रूरी जानकारी दी. अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें. अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि उसके ऊपर हम अगली बार से वीडियो बना सकें. या फिर आप कर्मा आयुर्वेदा किडनी सेंटर में भी संपर्क कर सकते हैं, अगर आपको किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या फिर डिजीज़ है. तो संपर्क करने के लिए हमारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, या फिर हमारे फ़ोन नंबर स्क्रीन के ऊपर भी मेंशन है, जिसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नई वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कर्मा आयुर्वेदा के साथ ऐसे ही बने रहें. थैंक यू. अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से, तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं. हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034. हमारे फोन नंबर हैं 09871712050, 011-4264-4274. हमारी ईमेल आईडी है
doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।